प्राचीन काल में मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड इलाके में भगवान विष्णु को मानने वाले लोगों के प्रत्यक्ष प्रमाण आज भी दमोह जिले के तेंदुगढ़ ब्लॉक के बगदरी ग्राम के नजदीक घने जंगलों में मौजूद हैं। मढ़ ग्राम में भगवान विष्णु के अवतार में से एक हैगड़ी अवतार की प्रतिमा और मढ़ का होना इस बात का पुख्ता प्रमाण है कि आज भी दमोह जिले की धरा में प्राचीन धरोहर अलग अलग स्थान में मौजूद है, जिन्हें देखने पर जिले का पुराना इतिहास प्रतीत होता है। परंतु इसके लिए दृढ़ इच्छा शक्ति की आवश्यकता है, जिससे इन्हें संजोया जा सके। लेकिन जवाबदार अफसरों द्वारा आज तक इतिहास को गहराई से जानने और खोजने का प्रयास नहीं किया गया। ये जो मढ़ है ना, ये मढ़ हमारा जन्म हुआ है, जब से मैं देख रहा हूँ इसका कोई वो नहीं हुआ है कि ये किसका है क्या नहीं है, और अभी इसकी कोई मरम्मत नहीं है। ये मढ़ जो दिख रहा है पूरा झाड़ियों से ढक चुका है। दमोह से जिला समृद्ध है पुरातात्विक धरोहर से। आप जिस स्थान की बात कर रहे हैं, मोहड़ ग्राम से दमोह के संग्रहालय में संपर्क की एक प्रतिमा विद्यमान है जो हैग्री नाम से जानी जाती है। भगवान विष्णु के जो अवतार स्वरूप हुए उनमें से यह एक बड़ा दुर्लभ अवतार, जिस अवतार के चित्र या प्रतिमाएं कमतर लोग जानते हैं। भगवान हैग्रीव की प्रतिमा का प्रदर्शन दमोह के संग्रहालय में है। वह प्रतिमा हमको मोहड़ नामक ग्राम से प्राप्त होती है। मोहड़ वह स्थान है जहां पर आज भी मंदिर देवालयों के प्रतिमाओं का ढेर वहां पर बीच खेतों में देखने को प्रतीत होता है। निश्चित रूप से कल्चुरी शासकों के कार्यकाल में वह स्थान बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रहा होगा। और मोहड़ में भगवान विष्णु की हैग्री प्रतिमा का पाया जाना इस बात का द्योतक है। दमोह जिले में भी वैष्णव धर्म के मानने वाले लोग लगभग 11वीं-12वीं शताब्दी में रहा करते थे। ऐसी दुर्लभ प्रतिमा का अंकन संप्रति दमोह जिला पुरातत्व संग्रहालय में मौजूद है। इस दृष्टिकोण से मोहड़ पुरातात्विक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण स्थान भी है। बिल्कुल, इसके पूर्व में आज से 5 वर्ष पूर्व जिला प्रशासन की ओर से सर्वे कार्य किया गया था। उस सर्वे कार्य के दौरान जो रिपोर्ट मैंने प्रस्तुत जिला कलेक्टर महोदय को प्रस्तुत की थी, उसमें इस स्थान को संरक्षित करने के लिए हमने लिखा था। हो सकता है शासन की ओर यह प्रतीक्षारत है कि उस स्थान को संरक्षित स्थल घोषित किया जाना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूं।